HBC News. नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले सनी के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ रहे हैं और सूत्रों का दावा है कि सनी के संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी हैं। दरअसल अतीक और अशरफ को मारने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उसका प्रयोग पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता रहे शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। अतीक को मारने के लिए जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात 10:30 बजे प्रयागराज स्थित एक अस्पताल के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्या उस वक्त हुई जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए कॉलोनी अस्पताल ले जा रही थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है और संवेदनशील जिलों में फ्लैग मार्च किया गया। उधर पुलिस ने बताया कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य ने शाहगंज थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में लवलेश तिवारी बांदा, मोहित उर्फ सनी हमीरपुर, अरुणेश मौर्य कासगंज एटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस हमले के दौरान गोलीबारी में लवलेश तिवारी को भी गोली लगी है और इसका वो अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्राथमिकी के अनुसार पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कहा है कि हम अतीक और अशरफ गिरोह का सफाया कर प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करने के बाद भागने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग मौके पर ही पकड़े गए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।